प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बिहार के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है, तो आइए इसी बीच आपके लिए एक बहुत ही अहम खबर लेकर के आए हैं। एक ऐसी खबर जो अभी के मौसम में, अभी के टाइम में हर एक को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर से उस आदमी को जानना ज़रूरी है जो कि कैंडिडेट हैं, क्योंकि कैंडिडेट अभी काफ़ी कंफ्यूज हैं कि जब हम नॉमिनेशन के लिए जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से दस्तावेज़ होने चाहिए। तो आइए मैं आपके इस मसले का हल लेकर के आया हूं, और आप काफ़ी आसानी के साथ जान सकेंगे कि जब नॉमिनेशन के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं, और इससे पहले एक बात बता दें कि जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर के जाना है आधार कार्ड। आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और ऐसा आधार कार्ड होना चाहिए मोबाइल नंबर उसमें अपडेट होना चाहिए। ऐसा आधार कार्ड ना लेकर के जाएं जिसमें मोबाइल नंबर अपडेट ना हो। अगर अब तक अपडेट नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द अपडेट करा लें। दूसरे नंबर पर है वोटर आईडी कार्ड। जी हाँ, वोटर आईडी कार्ड भी आपके पास होने चाहिए। तो तीसरे नंबर पर हैं पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपको थाने से भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी चाहें तो आप ले सकते हैं, काफ़ी आसानी के साथ आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चौथे नंबर में आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। जी हाँ, पैन कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। और पाँचवें नंबर पर है कि आपके पास मूल निवास होना चाहिए। जी हाँ, मूल निवास, इसे आप ऑनलाइन पर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप ऑनलाइन पर बना सकते हैं। और छठे नंबर पर है संपत्ति का घोषणा पत्र। जी हाँ, संपत्ति का घोषणा पत्र भी होना चाहिए, जिसमें चल व अचल संपत्ति का विवरण हो। ये आपको तहसील से मिल जाएंगे। अब हम सातवें नंबर के जानिब चलते हैं। तो सातवें नंबर पर आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आप ऑनलाइन करा सकते हैं काफ़ी आसानी के साथ। अगर आपके पास है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आठवें नंबर पर है ज़मानत राशि। जी हाँ, ज़मानत राशि भी आपके पास होना चाहिए। और नवें नंबर पर है शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र। ये आपको तहसील से मिल जाएंगे। पिछले मर्तबा में और अब में काफ़ी डिफरेंट है, और बहुत सारी चीज़ें अभी नए तौर पर इसमें जोड़ा गया है, इसीलिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि इस मर्तबा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और जिन चीज़ों की आपके पास कमी हो उसे ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। और दसवें नंबर पर है शैक्षणिक योग्यता, यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं, इसका भी प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है। और 11वें नंबर पर है नाम निर्देश पत्र। ये भी आपके पास होना बहुत ही लाजमी है, ज़रूरी है, नाम निर्देश पत्र, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और 12वें नंबर पर जो है 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र होना चाहिए, और ऐसा शपथ पत्र जो नोटरी से प्रमाणित किया हुआ हो। बिना नोटरी के प्रमाणित किया हुआ अगर रहेगा तो वो कोई भी काम करने वाला नहीं है, इसीलिए नोटरी से प्रमाणित कराना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। और 13वें नंबर पर है आय प्रमाण पत्र। जी हाँ, आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और 14वें नंबर पर है पंचायत समिति या फिर जिला परिषद से NOC, ये भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, इसका ख्याल रखिएगा, वरना फिर वहाँ जा कर के वो लौटा दिया, फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए पहले ही इन चीज़ों को मुकम्मल तौर से आप पूरा करके जाएँ। और आखिरी है 15वां नंबर। और 15वें नंबर पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए, ठीक है। ये 15 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। इनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि आपकी नॉमिनेशन वहाँ ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए वक्त से पहले ही इन सारी चीज़ों को आप पूरा कर लें, ताकि वहाँ पहुँचने के बाद कोई भी परेशानी न हो। चलिए फ़कत अब हम चलते हैं।